सभी को नमस्कार। एक विषय जो पिछले कई दिनों से चल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के केस के बाद एक प्रकार से ब्लैक लाइफ मैटर्स, ये इस पे पूरा समाज एक साथ आया है। हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका किस प्रकार से सभी वर्ग के लोग एक साथ इस संघर्ष में उतरे हैं। जैसे एक इंस्टीट्यूशनल एट्रोसिटी का शिकार एक जॉर्ज फ्लॉयड नामक व्यक्ति हुआ है, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट का था। उसी आधार पे मेरे मन में ये विषय बहुत दिनों से चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं भारत में भी जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं या ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, जो कास्ट एज एन इशू को इंटरनेशनलाइज करने के चक्कर में बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि किस प्रकार कास्ट को इंटरनेशनलाइज करके एक यूनाइटेड नेशंस में इसका कन्वेंशन लाया जाए और एक एक आक्रमण किया जाए जो हमारी सोशल यूनिटी और सोशल इंटीग्रिटी है उस चीज़ पे। कास्ट एज एन इशू, कास्ट एज अ प्रॉब्लम कमोबेश हम लोगों ने स्वीकार किया है, एंड वी हैव बिन रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। सो नो वन इज सेइंग दैट कास्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देर इज़ अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हु स्टिल बिलीव दैट एंड फॉलो द कास्ट ब्लाइंडनेस, बट अदरवाइज दिस इशू इज सॉर्टेड दैट वी रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट एंड देर आर एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन, बी इट द कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन और एट द सोसाइटल लेवल एज वेल, द सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव्स एज वेल। बट दिस अटेम्प्ट टू इंटरनेशनलाइज दिस इशू, इट स्मर्क्स ऑफ अ डिज़ाइन, एन इविल डिज़ाइन विच ऑल ऑफ अस शुड बी कॉशियस ऑफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने अध्ययन में पाया कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो सिविल राइट्स का मूवमेंट रहा है वो दो स्ट्रीम्स का रहा है, दो धाराओं की ये मूवमेंट रही है। पहली धारा डॉक्टर किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की रही, और दूसरी धारा मैल्कम एक्स की रही। दोनों रेडिकल थिंकर थे, बट मार्टिन लूथर किंग या डॉक्टर किंग एक कोलिशन ऑफ कॉन्शियंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसा कोलिशन हो जिसमें वाइट, अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट के लोग, हिस्पैनिक लोग सब एक साथ आएं और इस प्रॉब्लम के लिए एक समन्वय को स्ट्रैटेजी बना करके इससे लड़ें। दूसरी धारा है मैल्कम एक्स की, जो कि वायलेंस, आर्म्ड रिबेलियन और वायलेंट स्ट्रगल की बात करता है और उसके माध्यम से अफ्रीकन अमेरिकन्स को अधिकार दिलाने की बात करता है। भारत में जो हमारे समाज का चिंतन रहा है, कबीर, रविदास, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से एक कोलिशन ऑफ कॉन्शियंस बना करके, एक सोशल अलायंसेस बना करके, किस प्रकार एक सामरिक, एक समरस समाज को बना सकते हैं हम लोग, जहाँ पे सबकी अपनी भूमिका हो, सबका अपना हस्तक्षेप हो। और जहाँ तक बात है, बराक ओबामा भी बात बात में डॉक्टर किंग से प्रभावित लगते हैं और उनके स्कूल ऑफ थॉट से ही उनकी जो चिंतन है वो दिखती है हमें। तो हमें ये स्पष्ट है कि भारत में जहाँ तक दलित विचारकों की बात है, दलित आंदोलन की बात है, वो एक सामाजिक समरसता के विचार से ही प्रेरित है, एंड वी आर मोर इन्फ्लुएंस्ड विथ द पाथ दैट वॉज शोन बाई डॉक्टर किंग। दोनों की अपने अपने स्ट्रेंथ हो सकते हैं, दोनों के अपने वीकनेसेस हो सकते हैं, बट आई थिंक द वे शोड बाई डॉक्टर किंग इज़ मोर मीनिंगफुल, इट्स सॉर्ट ऑफ मोर इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन अप्रोच, विच टॉक्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड मोडस ऑपरेंडी टू हैव एन इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन विच इज़ हैविंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एट मीनिंगफुल पोजिशन एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट। सो ऑल ऑफ अस शुड बी कॉशियस ऑफ द फोर्सेज विच आर ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइज दिस इशू, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो बी मैनिफेस्टिंग आर कंसर्न्स एंड एस्पिरेशंस इन द कंस्ट्रक्टिव एंड अ मैनर विच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जस्ट वॉन्ट टू शेयर योर थॉट्स। इफ यू हैव एनी कॉन्ट्ररी ओपिनियन और एनी अदर आइडिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओपिनियन ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द ब्लैक लाइफ मैटर डिबेट इन टू द इंडियन पैराडाइम, प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।